हमारे यहाँ सांसद भोला ठाकुर हैं बीजेपी के, और मोदी के नाम पर वोट जा रहा है पूरा। हाँ, अपना योगी जी और मोदी जी आएंगे, इसका भी कारण है क्योंकि काम जो करेगा वही आएगा। 10-12-15 हज़ार रुपए भी कमा लेता हूँ महीने के, तो कम से कम जो है इंसान को अपने पे हुनर रहना चाहिए। पढ़ने लिखने की ज़रूरत नहीं है, हुनर की ज़रूरत है। लोगों को अपने अंदर जुनून लेना चाहिए कि मैं कर सकता हूँ। और पूरे देश भर में चुनाव का माहौल गर्म है, और वे सब खड़े हैं उत्तर प्रदेश के मथुरा में, मथुरा वृंदावन की गलियों में। और खास बात यहाँ पर यह है कि यहाँ पूरे भारत के लोग इकट्ठा हैं, तो ये बताएंगे कि क्या माहौल है चुनाव का। हमारे साथ मौजूद है गुजरात के एक सज्जन, क्या शुभ नाम है आपका? सुरेश भाई, जसमत भाई परचुंबिया। आप कहाँ से आ रहे हैं? गुजरात मोरबी नानी वावड़ी से। गुजरात के मोरबी से हैं ये, तो आपके यहाँ क्या माहौल है चुनाव का? चुनाव का माहौल तो अभी तो भाजपा का है, और मोदी सब अच्छा ही काम करता है। तो इस बार आपको लगता है कि गुजरात भाजपा मतलब मोदी जी को अच्छा वोट समर्थन मिलेगा? अच्छा वोट होकर आ जाएगा, मोदी जी ही आएगा। तो सबका साथ सबका विकास का नारा जो है वो पॉपुलर हुआ है भाई? सभी मोदी करता है। क्या क्या अच्छी बातें लगी मोदी में आपको? मोदी में सभी अच्छी बातें ही है। दो चार बातें बताइए जरा। ये बोला, दो चार अच्छी बातें बताइए। अच्छी बातें में तो सभी का ख्याल तो रखता जाए, खेडू का भी ख्याल रखता है, और गरीब आदमियों का भी ख्याल रखता है, रेशन का भी ख्याल रखता है, काम तो अच्छा ही करता है। तो गुजरात से हैं, मोरबी से हैं सज्जन, और मोदी जी के बिना मतलब इनके हृदय में मोदी धड़कते हैं, तो मोदी की तारीफ करेंगे करेंगे। 400 के पार हो जाएगा ये, देखिए मोदी जी को 400 के पार भेज रहे हैं, 400 से ज्यादा सीटें दिलवा रहे हैं इस बार। ये मोदी हो जाएगा 400 के पार, इसका काम बोलता है। तो वृंदावन की गलियों में अभी आपने गुजरात देखा, आप देखिए हरियाणा के सज्जन आए हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? सतवीर। आप कहाँ से हैं? हरियाणा से। तो हरियाणा में किस जगह से? पलवल फरीदा पलवल से। तो हरियाणा के पलवल से हैं, तो इस बार के चुनाव में क्या रुख रहेगा आपका? अब देखो क्या होता है जी। नहीं, क्या माहौल क्या है, किसके पक्ष में किसके पक्ष में? अब देखेंगे क्या किसकी पक्ष में क्या होगा, ये तो टाइम बताओगे ना अभी इलेक्शन। नहीं मतलब कि वोट में किसका पलड़ा भारी दिख रहा है आपको? किसकी दिखेगी देखेंगे, अभी तो जो सब रेस गया। अरे बंधु मैं ये पूछ रहा हूँ कि कोई तो मजबूत कोई कमजोर दिख रहा होगा आपको? कोई कमजोर न दिख रहा, सब सही चल रहे, सब जीत जाएंगे। कोई जीता कोई जो चलेगा। तो अगला कपल हमारे साथ मौजूद है जो वृंदावन की गलियों में खड़े हैं और उत्तर प्रदेश से आए हैं। जी आप उत्तर प्रदेश में कहाँ से हैं? बुलंदशहर। आपके यहाँ 26 को चुनाव है, क्या माहौल दिख रहा है आपको? माहौल जो है बीजेपी का ही है पूरा। हाँ, हमारे यहाँ सांसद भोला ठाकुर हैं बीजेपी के, और मोदी के नाम पर वोट जा रहा है पूरा। हाँ, लेकिन कहा जा रहा है कि जो मोदी से वोटर हैं वो धूप में निकल नहीं रहे हैं वोट देने के लिए, तो अगले परसेंटेज तो सही हो रहा है, एक दो जगह कहीं कम हुआ नहीं, बहुत अच्छा हुआ है वोट परसेंटेज। पिछली बार वोट परसेंट से कम है वोट परसेंटेज इस बार का? एक दो जगह कम है कहीं कहीं। हाँ, सर्वे में जो बता रहा है टीवी में, एक दो जगह पर कम है बंगाल में, और वहाँ जो हुआ है ज्यादा हुआ है। तो आप जो वेस्टर्न यूपी में जो यहाँ पे वोट पड़े हैं फर्स्ट फेज में, वहाँ वोट परसेंट कम हुआ है, ऐसा क्यों? कम कुछ तो खेती बाड़ी का भी काम चल रहा है लोगों का, और कुछ लोग सोच रहे हैं कि मोदी जो जीतेगा तो हमने क्या करना, कुछ लोग ऐसे हैं। तो एक अपील कर दीजिए कि जनता निकल के वोट करे। हाँ, हम तो अपील करना चाहते हैं, और जो सब लोग वोट दें और कमल पे दें, मोदी जी के नाम पर दें, विकास के नाम पर वोट दें। तो हमारे साथ बहन जी मौजूद हैं, आपका शुभ नाम? किशन देवी। आपको महंगाई का असर कुछ दिख रहा है किचन पे? महंगाई तो किचन की रहती है। तो फिर भी मोदी को सपोर्ट करेंगे आप? हाँ, मोदी का करेंगे। तो ऐसा क्या अच्छा लगता है आपको मोदी जी में? मोदी जी अच्छे काम करते हैं, काम उनका अच्छा है, विकास भी बढ़िया है, मोदी का सही है, इसलिए मोदी पसंद है।
और वो जो विपक्ष कहता है कि महंगाई है, बेरोजगारी है, वो सब अभी तो सबकी अपनी अपनी सोच है। महंगाई तो समय के हिसाब से चलती रहेगी। जब हम भर्ती हुए थे तो 300 रुपए तनख्वाह थी, जब रिटायर हुए तो 73,000 रुपए। समय का रेशो है, समय के हिसाब से महंगाई बढ़ती जाएगी हर चीज पर, ये तो है। हाँ, लेकिन उसको कंट्रोल अनुपात होना चाहिए, ये है। और जो नए लड़कों का जो रोजगार रोजगार की व्यवस्था है, वो रोजगार जब पॉपुलेशन पे नियंत्रण नहीं किया जाएगा तो इतने संसाधन तो सीमित है, बहुत ज्यादा रोजगार सभी को तो नहीं मिल सकते। मोदी ने बयान दिया अभी हाल में कि बहुत ज्यादा बच्चे जो हैं वो उसकी वजह से, जो ज्यादा बच्चों की समस्या है वो समस्या का कारण हो रही है और उससे दिक्कत है। हाँ, तो जनसंख्या तो एक भारत में बहुत बड़ा विस्फोट होगा आगे चल के। जनसंख्या जो है वृद्धि एक विस्फोटक ही है, और जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं किया गया तो ये सब समस्याएं बढ़ती जाएंगी, कम नहीं होंगी। हाँ, और वृंदावन में मिनी भारत है, देश के हर कोने से लोग इकट्ठा हैं। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के एक और सज्जन मौजूद हैं, शुभ नाम क्या आपका? शुभम तिवारी। कहाँ से आ रहे हैं आप? मैं अभी मुंबई से आ रहा हूँ, मैं बाय ट्रेन आया, मथुरा से पैदल आया हूँ यहाँ पर वृंदावन तक। तो मतलब कहाँ के रहने वाले बेसिकली आप? मैं प्रतापगढ़ का, राजा भैया के इलाके से। तो इस बार के चुनाव में क्या माहौल देख रहे हैं आप? चुनाव में माहौल यही है, इस हर अपना योगी जी और मोदी जी आएंगे। इसका भी कारण है क्योंकि काम जो करेगा वही आएगा। अच्छा, तो आप कोई यात्रा वात्रा निकाल रहे हैं सुना है? मैं भारत यात्रा कर रहा हूँ। किस तरह से? मेरा एक लक्ष्य है, हिंदू हो तो तिलक लगाओ, धर्म की रक्षा के लिए हाथ उठाओ। अच्छा, मतलब हिंदुओं की युद्ध करना चाहते हैं आप? नहीं, हिंदू का विरोध नहीं करना चाहता, एकजुट करना चाहते हैं। एकजुट करना चाहता हूँ, मेरा एक लक्ष्य है, मैं भारत के सारे युवा को एक ग्रुप में लाना चाहता हूँ, पर वो संभव नहीं हो पा रहा है, इसलिए मैं भारत यात्रा कर रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ कि कैसे हो पाएगा वो। कितने लोगों को जोड़ पाए अभी तक आप? मैं वो उस पर नहीं काम कर रहा, अभी मैं इस पर काम कर रहा हूँ कि हिंदू हो तो तिलक लगाओ, धर्म की रक्षा के लिए हाथ उठाओ। ठीक है, आपके साथ कितने लोग हैं? मैं अकेला भारत यात्रा कर रहा हूँ। और आपका शुभ नाम? मेरा नाम सोनू अग्रवाल। आप कहाँ से आ रहे हैं? जिला जालौन से। जालौन झांसी? नहीं, जालौन जिला अलग है, यूपी में ही आता है। हाँ, यूपी में ही आता है, झांसी के पास जालौन है। तो आपके यहाँ क्या माहौल है चुनाव का? बढ़िया है, हर हर मोदी, घर घर मोदी, हमारा तो यही है, हम तो यही चाहेंगे आप हो हर मोदी, घर घर मोदी। क्या खास देखते हैं मोदी में आप? मतलब मोदी में क्या क्या खासियत है जिसकी वजह से आप तारीफ कर रहे हैं इतने? खासियत है घर घर पानी जा रहा है, हमें तो यही ठीक है, खाने को जा रहा है, पीने को जा रहा है, और बस नियंत्रण यही है कि अच्छा है। देखिए, आप जालौन के रहने वाले हैं, या तो मुझे सबसे पहले निकला पानी, बुंदेलखंड के इलाका है, पानी की बड़ी समस्या रहती है, तो क्या मोदी सरकार में वहाँ पे सुधार आया है? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे घर पर ही नल लगा है, सरकारी जो टोटी से होता है। देखिए, एक समस्या तो अच्छा है, मतलब सही है, टंकी की सुविधा हो गई है, पानी मिल रहा है, लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा रोजगार मिल रहा है, अपनी मेहनत पर, मैं भी हूँ, पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तब भी मैं मेहनत से करके खा लेता हूँ, 10-12-15 हज़ार रुपये भी कमा लेता हूँ महीने के, तो कम से कम जो है इंसान को अपने पे हुनर रहना चाहिए, पढ़ लिखने की ज़रूरत नहीं है, हुनर की ज़रूरत है, लोगों को अपने अंदर जुनून लेना चाहिए कि मैं कर सकता हूँ ये। क्या करते हैं आप? मैं कुक हूँ सर, छोटा सा जाता हूँ, कोई फैक्ट्री मिल जाती है तो मैं वहीं कुक वगैरह का काम करता हूँ सर। तो देखिए, ये आत्मनिर्भर भारत और सशक्त भारत के एक प्रबल उदाहरण है, जो पढ़े लिखे नहीं होने के बावजूद अपनी रोजी रोटी कमा लेते हैं, अपने पैर पे खड़े हैं, और ये है नरेंद्र मोदी के सपनों का भारत, जिसकी वजह से मोदी जी इतने पॉपुलर इस देश में। मैं गलत कह रहा हूँ तो कहिए। बिल्कुल, हमारे हृदय से तो हर मोदी और घर घर मोदी होना चाहिए, हम बढ़िया हैं, वो हमें अंदर से इतना औलाद बना दिया है ये 2-4-10 सालों में कि ये लगता है कि अब उनके लिए तो हम बहुत कुछ कर जाएंगे। आपके यहाँ से कैंडिडेट कौन है? मतलब कैंडिडेट उम्मीदवार कौन है इस बार? अभी हमें नहीं पता क्योंकि मैं घर गया ही नहीं, मैं अपने यहीं कर रहा हूँ तो खा रहा हूँ, बस आया था दर्शन के लिए, दर्शन भी हो गए, यही कहता हूँ कि भगवान उन्हें ही बनाए। तो मतलब कैंडिडेट कोई भी हो, वोट मोदी जी को? मतलब मोदी जी को जाएगा तो हमारा मोदी जी। धन्यवाद।